हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमारे पास आई थिंक इट्स पार्ट फोर्थ। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या क्या पढ़ना है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या है, रोटेशनल क्या है, रमन स्पेक्ट्रा क्या है। तो थ्री स्पेक्ट्रा हमें पढ़ने हैं। एक हमारे पास आएगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, एक हमारे पास आएगा रमन स्पेक्ट्रा। समझ रहे हो, ये तीन स्पेक्ट्रा हमें पढ़ना है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रमन। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, सबसे पहला हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमें ये पढ़ना है कि कैसे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होता है। तो उसको हमने यहाँ पर स्टडी आउट करना है। हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे। ठीक है, ये हमारे पास इवन स्टेट है। ठीक है, दिस वन इज इवन, दिस वन इज ई टू स्टेट। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता है, इवन स्टेट से ई टू में अगर ट्रांजिशन होता है तो उसको बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हो। बट हेयर वी आर गोइंग टू, इसके अंदर क्या होंगे, फिर हमारे पास फर्दर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, ये वी वन हो जाएगा, ये वी टू हो जाएगा। वी वन वी टू के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हमें सबसे छोटे जो लेवल्स होते हैं उनके अंदर ट्रांजिशन की बात करनी है कि सबसे छोटे एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें कैसे ट्रांजिशन होता है, उसको हमें पढ़ना है। सबसे बड़ा क्या ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, जो यूवी विजिबल में लाइट करता है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए करने के लिए। फिर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है, उसको करने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से कम एनर्जी चाहिए उसके ट्रांजिशन के लिए। सबसे छोटे एनर्जी लेवल जो होते हैं रोटेशनल होते हैं, जिसमें सबसे लेस एनर्जी हमें चाहिए। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन कौन शो करता है, सबसे पहली बात तो याद रखो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी से कहा जाता है। क्योंकि ये जो रीजन होता है, जो हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे R1 एनर्जी लेवल हो गई, R2 एनर्जी लेवल, इनमें जो एनर्जी का गैप होता है दैट इज डेल्टा ई, वो किसके इक्वल होता है, माइक्रोवेव रीजन की जो रेडिएशन होती है उनकी एनर्जी के बिल्कुल क्या करता है, मैच करता है। समझ में आ रहे हो कि हमारे पास जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं इसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी जो रेडिएशंस होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे जो हमारे पास R1 और R2 जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को, जब मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ हमें ट्रांजिशन कराना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करवाना है, तो इसके लिए जो ये एनर्जी का बैरियर है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो किसके इक्वल होता है, माइक्रोवेव रीजन। जो माइक्रोवेव रीजन हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हमने रीजन पढ़े थे, तो उसमें माइक्रोवेव रीजन जो हमारे पास था, उस माइक्रोवेव रीजन की जो रेडिएशन होती हैं उनकी एनर्जी मैच करती है इस बैरियर से, तो इसी माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है टू डू रोटेशनल ट्रांजिशन। तो जो रोटेशनल ट्रांजिशन हम कराना चाहते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन है उसे बोला जाता है रोटेशनल ट्रांजिशन। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जब हम ट्रांजिशन करवाएंगे तो उसके बैरियर की जो एनर्जी होगी वो माइक्रोवेव रीजन में लाई करते हैं। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए बोलते हैं कि माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं टू डू द रोटेशनल ट्रांजिशन। दूसरी बात, कौन कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है एग्जिबिट करते हैं, वो मॉलिक्यूल एग्जिबिट करते हैं जिनके पास क्या होती है, परमानेंट डायपोल मोमेंट, जिनके पास क्या होती है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है। तो वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या शो करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं जिनके पास परमानेंट होती है, क्या, परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल का मीन्स होता है टू पोल। ठीक है, डायपोल का मतलब क्या होता है, टू पोल, यानी जिन भी मॉलिक्यूल्स में टू पोल्स प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल। ठीक है, जैसे हमारे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पहली बात तो डायपोल जो मोमेंट होती है वो हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स में होती है, ये बात याद रखो। जिनके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहां पर डायपोल का कंसेप्ट आएगा। तो जिनमें, इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड बना है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। बट क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है, इसकी क्या होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है, इसके कारण ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो सारे इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है यहाँ पर इसको अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, तो इसके पास ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने विड्रॉ करे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इन दोनों में डाइपोल हो जाता है। तो जिनके अंदर भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है वो क्या शो करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो परमानेंट का मीन्स ये है कि कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें कैंसल आउट हो जाती है,
जैसे तुम्हारे पास CO2 का मॉलिक्यूल होता है, CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, वैसे तो इसमें डाइपोल मोमेंट है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होएगा। तो जो कार्बन है हमारे पास उसके अंदर डाइपोल मोमेंट तो है, कार्बन और CO बॉन्ड के अंदर क्या है, डाइपोल मोमेंट तो है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बट क्या होता है, इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है, इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होती है, तो ये क्या करेंगे दूसरे के क्या हो जाएंगे, नेट जो होगी वो क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि ये राइट साइड में जा रहा है, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, जो डायपोल की डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं परमानेंट डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें परमानेंट नहीं है, क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट है, इसकी डायपोल मोमेंट, लेकिन ये दोनों कैंसल आउट हो जाती है, क्योंकि ये इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, दो अपोजिट वाले जो डायपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, कैंसल आउट हो जाती है। ये डायपोल मोमेंट का सिंबल है कि जो एरो का निशान होता है उसकी तरफ होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन एटम, और ये जो इसका बैक वाला पोर्शन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है। तो दो डायपोल मोमेंट जो होते हैं दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, अगर वो इक्वल एंड अपोजिट होती है तो इसकी जीरो हो जाती है। तो इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट इसमें नहीं है, इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो रोटेशन स्पेक्ट्रा सिर्फ वही मॉलिक्यूल शो करते हैं जो माइक्रोवेव रीजन में अब्सॉर्प्शन करते हैं, जिनके एनर्जी लेवल्स का जो गैप होता है माइक्रोवेव एनर्जी से मैच करता है वो शो करेंगे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी वो शो करेंगे रोटेशन स्पेक्ट्रा। दूसरा क्या बताया हमने कि उनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होनी चाहिए, ये तो हमारे पास होती है कंसेप्ट, यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं दैट इज कि जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हम ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल, जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो शो करते हैं, और एक हमारे पास होती है होमो एटोमिक डायटमिक मॉलिक्यूल होते हैं, होमो एटोमिक होमोन्यूक्लियर, जिसमें दोनों एटम क्या होते हैं होमो डायटमिक, बोलो इसको होमो डायटमिक, होमो डायटमिक या होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये कंसेप्ट याद रखो, ये क्या है हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर का मींस है ऊपर क्या लिखा हुआ है डायटमिक, मतलब दो एटम का मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल, दैट मींस ये कंसेप्ट है कि हेट्रोन्यूक्लियर मतलब दोनों क्या एटम होंगे तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक, डायटमिक का मतलब दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, और हेट्रो यानी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या था HCl है, HCl में क्या होते हैं दोनों डिफरेंट एटम होते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या दोनों डिफरेंट है और डायटमिक तो है ये, तो ये मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो शो करते हैं, तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। लेकिन जो तुम्हारे पास होमोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे तुम्हारे पास H2 हो गया, Cl2 हो गया, तो ये रोटेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी बिल्कुल सेम होती है, डायपोलमेंट नहीं होती है, दे आर पोलर इनफ होते हैं, तो ये क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कभी भी रोटेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करते हैं, तो ये भी बोल सकते हो कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो रोटेशन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल रोटेशन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल शो नहीं करते हैं, ये हुआ हमारा कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हमने चार बातें पढ़ी, कौन कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं, इसको माइक्रोवेव क्यों बोलते हैं, और परमानेंट जो डायपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ वही शो करेंगे क्या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद हम निकालेंगे रोटेशनल एनर्जी, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, बहुत इजी कंसेप्ट और बहुत छोटा कंसेप्ट है, जो हमें यहाँ पर हम सिर्फ रोटेशनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो अब हमें निकालनी है रोटेशनल एनर्जी, क्या निकालनी है रोटेशनल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो रोटेशनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ये हम बता देते हैं आपको क्या होता है, एच का स्केयर होता है, 8 पाई का स्केयर आई होता है, जे होता है, जे जे प्लस 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर ER क्या है तुम्हारी रोटेशनल एनर्जी है, समझ रहे हो ER क्या है रोटेशनल एनर्जी है, एच का स्केयर क्या प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का स्केयर हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का स्केयर हो गया, 8 पाई का स्केयर, आई क्या है इनर्शिया हो जाएगा, जे क्या है रोटेशनल कांस्टेंट सॉरी रोटेशनल क्वांटम नंबर हो जाएगा, जे जे प्लस वन, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो ध्यान से,
हमारे पास एक डायटमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक डायटमिक मॉलिक्यूल है। देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एक डायटमिक मॉलिक्यूल है। तो डायटमिक मॉलिक्यूल में ये मास m2 है हमारे पास और ये मास हमारे पास m1 है। अब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके पास लाई करेगी, इसकी रेडियस क्या होती है r1, इसकी रेडियस क्या होती है r2, टोटल रेडियस क्या है हमारे पास r0। समझ रहे हो, देखो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है क्योंकि हमने बताया रोटेशन स्पेक्ट्रा कौन शो करते हैं, हेटेरोनिकल डायटमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये सपोज करो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए इसको हमने m2 मास से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया है। दोनों के बीच में क्या है, ये क्या वायर लगी हुई है, दोनों एटम्स को हमने ज्वाइंट किया है बाय अ वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाती है, एक रोटेशनल एक्सिस हो जाती है, इस रोटेशनल एक्सिस के अराउंड ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे रोटेशन एक्सिस और इसके अराउंड मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब इसका मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर लाई करेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो उसी तरफ लाई करता है, इधर मास कंसंट्रेटेड होता है, इधर ज्यादा मास है तो इसकी तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इनर्शिया क्या हो जाएगा, इनर्शिया क्या होता है, म्यू आर का स्केयर, म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है, म्यू क्या होता है तुम्हारा, रिड्यूस्ड मास होता है। तो रिड्यूस्ड मास को कैसे निकाला जाता है, m1 मल्टीप्लाई में m2 डिवाइड बाय में m1 प्लस में m2 हो जाएगा, दैट इज रिड्यूस्ड मास हो जाएगा। तो जो रिड्यूस्ड मास म्यू होता है उसको कैसे निकाला जाता है, दोनों मास को मल्टीप्लाई करो, m1 मल्टीप्लाई में m2 हो जाएगा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो i से क्या बता रहे हम, इनर्शिया निकाल रहे हैं, ऐसे क्या निकाला, इनर्शिया, r का स्क्वायर तुम्हारा क्या है, टोटल रेडियस जो है दोनों रिजिड रोटेटर्स के बीच में, ठीक है। दूसरा जो हम यहां पर पढ़ेंगे दैट, ये हमने इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया, अब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है, हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसका फिजिक्स में इन्होंने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज एल होता है, वो किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा क्या है तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी है। तो आई तो तुम्हें पता ही है दैट इज तुम्हारा क्या होता है, इनर्शिया होता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीपल होता है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि जब कोई भी मोशन करती है, कोई भी चीज जो होती है रोटेशनल मोशन करती है, कोई भी चीज अगर रोटेशनल मोशन करती है तो उसमें हर चीज क्या हो जाएगी, एंगुलर हो जाएगी। मोमेंटम जो नॉर्मल होती थी लीनियर मोमेंटम, वो क्या हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम। वेलोसिटी जो हो जाएगी वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास, कोई भी मास जो होता है उसको मास ही बोलते हैं, लेकिन जब वो रोटेशनल मोशन करता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखो आई की वैल्यू हो गया, अब हमारे पास जो है रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम देखेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, ये हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। इसको आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 आई का स्केयर हो जाएगा, ओमेगा का स्केयर हो जाएगा डिवाइड बाय में आई, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2 आई और ओमेगा दोनों का ही स्केयर हो जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो, इस इक्वेशन को कुछ भी नहीं किया, आई से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को आई से डिवाइड किया, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमने आई से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई से डिवाइड कर दिया, सिंपल कंसेप्ट। आई का स्केयर हो जाए क्योंकि दो आई ऊपर हो गए हैं, एक आई नीचे हो गया है, तो आई का स्केयर हो गया, ओमेगा का स्केयर, आई का स्केयर ओमेगा से डिवाइड बाय आई हो जाएगा। तो इसको टुगेदर लिख दिया हमने आई ओमेगा का स्केयर। हमें पता है कि जो आई ओमेगा का जो मल्टीपल टर्म होती है किसके इक्वल होती है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम एल का स्केयर लिख सकते हैं, दैट इज एल का स्केयर डिवाइड बाय 2i हमारे पास हो जाएगा। अब एल का स्केयर देखो कहाँ है हमारे पास, एल का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, एल इज इक्वल टू में क्या होता है, रूट जे जे प्लस वन एच अपॉन में 2π होता है, समझ रहे हो। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड, मान लो ये फर्स्ट थी हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन है तुम्हारे पास, देखो अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या इक्वेशन है, एल का स्केयर अपॉन 2i, आई ओमेगा का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, एल के इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो एल का स्केयर हो जाएगा, एल का स्केयर डिवाइड बाय 2i हो जाएगा। अब एल का स्केयर किसके इक्वल होता है, यानी एल किसके इक्वल होता है, रूट होता है, जे जे प्लस वन होता है, एच अपॉन में 2π होता है। ये कंसेप्ट याद रखो, फिजिकल में हमने ये डिराइव किया है, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, तो एल का स्केयर करना मतलब इस टोटल पूरी इक्वेशन का हमने क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। जब इसका स्केयर करोगे तो क्या आएगा, एच का स्केयर डिवाइड बाय 4π का स्केयर
ठीक है, टू आई तो है ही हमारे पास नीचे, जे जे प्लस वन, ठीक है। समझ में आया क्या है यहाँ पे? ये समझ में आ रहा है हमने क्या फाइंड आउट किया है? देखो ध्यान से, एल का स्केयर है, एल का स्केयर मतलब ये हमारे पास एल इज इक्वल टू रूट जे जे प्लस वन एच अपॉन टू पाई होता है। इस पूरे का क्या कर दोगे? स्केयर कर दोगे, क्योंकि स्केयर है वहां पर, तो ये रूट से रूट कैंसिल, रूट जो है स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एच का स्केयर हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्केयर करोगे तो फोर पाई का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर पाई का स्केयर हो जाएगा, टू आई तो यहाँ पे था ऑलरेडी, जे जे प्लस वन इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है रोटेशनल एनर्जी, दिस पर्टिकुलर, ये हमने क्या निकाली थी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी। अब ये क्या हो जाएगी हमारे पास? रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी, जो हमें निकालना था इस मॉलिक्यूल में, समझ रहे हो? ये मॉलिक्यूल जो होता है जब ये मूव करता है, तो जो मॉलिक्यूल है इसको हमने रिजिड रोटेटर बोल रहे हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तुम्हारा रिजिड है, ऐसे रिजिड है, ये हिलता नहीं है मॉलिक्यूल, ठीक है। रिजिड वायर से उसको हमने ज्वाइंट किया हुआ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिजिड रोटेटर भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिजिड, कहीं पेपर में आ जाए क्या पढ़ लिया हमने, तो इसे रिजिड रोटेटर भी बोला जाता है, रिजिड रोटर भी बोला जाता है। तो रिजिड रोटेटर की हमने क्या निकाले? रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो इसकी क्या है? रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल एनर्जी हमारे पास कितनी आई? ये तुम्हें पता चल गया कि इसकी रोटेशनल एनर्जी कितनी आई है। बताओ जल्दी से क्या आई एनर्जी? ये हमने ऊपर फाइंड आउट करके लिखी थी हमने कि कौन से निकाली थी। अब देखो जो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, इसकी डिजिटेसी का क्या कंसेप्ट है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वेव नंबर के फॉर्म में भी इसको निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो जे होता है उसे रोटेशनल क्वांटम नंबर से कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रोटेशनल क्वांटम नंबर, यानी जे हमारे पास क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो जे को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है, यानी रोटेशनल जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें जे की वैल्यू वेरी करती है। जे की वैल्यू जीरो है तो ग्राउंड स्टेट है, वन है तो फर्स्ट है, सेकंड है तो थर्ड है, इस तरह से जे की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? जीरो होती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, एक्सेट्रा, इस तरह से जे की वैल्यूज होती हैं। तो रोटेशनल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती हैं? जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है। अब हम देखो ध्यान से, अब जो ये हमारे पास है, दैट इज हमारे पास क्या होता है? बी। बी क्या होता है हमारे पास? रोटेशनल कॉन्स्टेंट। दैट इज हमारे पास क्या है? रोटेशनल कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास एक रोटेशनल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, जो हमारे पास एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? एच न्यू के इक्वल होती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो एनर्जी को हमने एच से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? अगर एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू में एच न्यू होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगी? यानी फ्रीक्वेंसी है, एच न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रखा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट को, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो एच डिवाइड में एच, यानी ये जो हमारे पास एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, इसको हमने प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये प्रोसीड करो इस प्रोसेस को, तो एच का स्केयर हो जाएगा डिवाइड बाई क्या है? एट पाई का स्केयर आई होगा, उसको हमने एच से डिवाइड कर दिया है, जे जे प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने एच से डिवाइड कर दिया, यहाँ देख लो, ठीक है। तो एच से इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, अब एच का स्केयर होता है एक, एच से एक एच कैंसिल होगा, तो क्या है? एच अपॉन में एट पाई का स्केयर आई हो जाएगा और जे जे प्लस वन हो जाएगा। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर तुमने क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। अगर इसकी ये जो एनर्जी निकाली है, ये एनर्जी अगर तुमने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकालनी है, तब कैसे आएगी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में एच अपॉन में एट पाई का स्केयर आई जे जे प्लस वन हो जाएगा। अगर तुमने वेव बार निकालनी है तो क्या होगा? तुम्हें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में लैम्डा होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वन अपॉन में म्यू बार होता है, तुम्हारे पास वेव नंबर बोल सकते हो उसको सी। अगर तुमने वेव बार निकालना है तो क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, वेव बार जो होता है वो निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को क्या करना होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट से, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट से तुम्हें इसको डिवाइड करना होगा, समझ रहे हो तुम? देखो तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है वो इन दोनों का मल्टीपल होती है, वेवलेंथ मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अगर यहाँ से तुमने वेवलेंथ का जो इन्वर्स होता है, यानी वेवलेंथ जो होती है दैट इज वन ओवर इन्वर्स ऑफ वेव नंबर होती है, यानी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है? इन्वर्स ऑफ वेव नंबर होती है। तो ये हमारे पास वेव नंबर है, वेव नंबर निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? वेव नंबर इज इक्वल टू में फ्रीक्वेंसी अपॉन में सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से तुम्हें वेव नंबर अगर निकालना है, वेव नंबर निकालना है तो क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो। ये तुम्हारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे? सी से डिवाइड कर दोगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट जे जे प्लस वन डिवाइड बाय सी। सी से डिवाइड कर दिया तो क्या आया?
एच का स्क्वायर 8 पाई का स्क्वायर आई सी जे जे प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर तो है ही नहीं क्योंकि एच पहले कैंसिल आउट होगा। तो ये जो इक्वेशन आया ये वेव बार के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है समझिए। पहले हमने रोटेशन एनर्जी निकाली, फिर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, एच अपॉन 8 पाई का स्क्वायर आई जे जे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम वेव बार निकालना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी को सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट से अगर तुम डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, सी से तुम इसको डिवाइड करो, सी से क्या होगा तुम इसको डिवाइड करो, यानी एच अपॉन में 8 पाई का स्क्वायर आई सी जे जे प्लस 1 हो जाएगा। और दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर बी, बी यानी रोटेशनल कॉन्स्टेंट तुम इसको बोल सकते हो, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, रोटेशनल कॉन्स्टेंट हो जाएगा। रोटेशनल कॉन्स्टेंट जो बी होता है वो हमेशा स्पेसिंग को एक्सप्लेन करता है, एनर्जी लेवल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये याद रखना, बी के बारे में याद रखना कि बी क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो बी हमने यहाँ पढ़ लिया कि बी यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार वैल्यूज देख लेते हैं, जे की वैल्यूज पुट अप करके कौन कौन से हमारे पास एनर्जी लेवल्स बनते हैं। देखो जे की वैल्यू पुट अप करो, यहाँ पर इस इक्वेशन में जे की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, इस तरह से वैल्यू रखो, तो रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर हमने 0 रखी तो क्या होगा, एच का स्क्वायर डिवाइड बाय में 8 पाई का स्क्वायर आई जे की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स ये तुम्हारा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी, जिसमें एनर्जी तुम्हारी क्या होती है, 0 होती है। दूसरी लगाओ, जे की वैल्यू 1 रखो, एच का स्क्वायर 8 पाई का स्क्वायर आई जे जे प्लस 1 क्या रखा तुमने, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 हो जाएगा, 2 एच का स्क्वायर डिवाइड बाय में 8 पाई का स्क्वायर आई हो जाएगा। और ये क्या था तुम्हारे पास, बी था, इसको हम क्या बोल रहे थे, बी। देखो जे की जो तुम्हारा मल्टीपल टर्म होती है, इस पूरी जे की जो टर्म होती है, इससे पहले जो कुछ भी प्रेजेंट है, जितना भी कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल क्वांटम सॉरी रोटेशनल कॉन्स्टेंट इसे कहा जाता है। बात याद रखो, जे से पहले वाले जितने भी तुम्हारे पास टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल कॉन्स्टेंट। तो रोटेशनल कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या रोटेशनल कॉन्स्टेंट, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2b लिख सकते हैं। इस तरह से थर्ड निकालोगे तुम, जे की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखो, 2 रखो यहाँ पे, 2 प्लस 2 क्या 6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 6b आ जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट आ जाएगी 8b आ जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है कि जो तुम्हारे पास अल्टरनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है, तुम्हारे पास ये एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, पहले 2b भी आएगी, पहले तो तुम्हारे कितने थे, 0 पे थी, फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या था तुम्हारा, 0 पे, दूसरा 2b पे, तीसरा तुम्हारा 6b पे, फिर तुम्हारा 8b आएगा। इस तरह से तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे। फर्स्ट एनर्जी लेवल रोटेशन 0 हो जाएगी, सेकंड पर 2b हो जाएगी, 6b हो जाएगी, फिर 8b हो जाएगी। यहाँ पर अगर तुम क्या रखते हो, अगर तुमने 1 रखा था यहाँ पे, 1 हो गया है, 2 1 और 1 एक मिनट 1 1 प्लस 1 दैट इज 2 2 रखो यहाँ पर, 2 रखा, 2 प्लस 1 6 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रखोगे, 3 प्लस 1 4 चलते 12 पे आएगी। नेक्स्ट क्या आएगी तुम्हारी, 12 पे आएगी, सॉरी यही करके देख रही थी, तो नेक्स्ट हमारे 12 पे आएगी। तो इस तरह से तुम क्या करोगे, जे की वैल्यूज को पुट अप करते रहोगे, देन फाइंड आउट करते रहोगे, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारे क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स, इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो किससे डिस्क्राइब की जाती है, बी से डिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, रोटेशनल एनर्जी लेवल जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं उसे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये बात भी याद रखो कि रोटेशनल जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसका हम कहाँ यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, डिवाइड बाय क्या होती है, इनर्शिया होता है, यानी क्या होता है, न्यू आर का स्क्वायर। तो एनर्जी इज इक्वल टू में क्या होता है, एच का स्क्वायर डिवाइड बाय में 8 पाई का स्क्वायर और म्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, जो हमारा आई होता है उसको हम लिख सकते हैं जे जे प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो म्यू आर स्क्वायर में क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, जो हमारे पास आर होती है दैट इज क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है आर, ठीक है। तो जो हमारे पास रोटेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, उस रोटेशन एनर्जी के फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें बाकी चीज गिवन होती है तो आर म्यू आर स्क्वायर क्या होती है, हमारी बॉन्ड लेंथ होती है। दो एटम्स के बीच की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो बॉन्ड लेंथ जो आर होती है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से हम पढ़ेंगे। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ठीक है।
एक बार हमने क्या लिया, सीओ का मॉलिक्यूल लिया, दूसरा सीओ का मॉलिक्यूल लिया, एक में 12 आइसोटोप है, एक हमारे पास 13 आइसोटोप है। ध्यान से देखो यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन सीओ का जो 12 आइसोटोप है, यानी कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 हमने ले ली है और कार्बन 13 है, मॉलिक्यूल सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, एटॉमिक मास का डिफरेंस है, 12 है और ये 13 आइसोटोप हमने ले लिया है, दोनों में मास का डिफरेंस होगा, तो दोनों में मास का डिफरेंस है तो यहाँ पर चीज क्या वेरी करेगी वो देखो ध्यान से। जो हमारे पास बी होता है, बी क्या होता है, रोटेशनल कॉन्स्टेंट क्या होता है, एच अपॉन एच का स्केयर अपॉन में 8 पाई का स्केयर आई होता है, यानी बी जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर स्केयर, म्यू आर स्केयर का मतलब क्या होता है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बी जो होता है हमारा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो बी का कंसेप्ट देखो, एक हमारे पास बी था और एक हमारे पास बी डैश, ये बी किसका है, सी ओ 12 का, और ये किसका डैश, सी ओ 13 का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है, म्यू दैट इज रिड्यूस मास, ये भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू डैश बी डैश, ठीक है, ध्यान से समझ रहे हो, अगर हमने कार्बन 12 सी ओ लिया है तो दैट इज ऑल्सो इनवर्सली, इसका जो बी होता है रोटेशन कॉन्स्टेंट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास होता है, क्योंकि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, इनर्शिया के इनवर्सली इनर्शिया का होता है म्यू स्क्वायर होता है, तो बी इज एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास होता है, तो इस बी डैश जो है तुम्हारा 13 सी ओ का भी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू डैश हो जाएगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। अब इसका मास क्या होता है, 13 सी ओ का है ये, और ये क्या है, 12 सी ओ का, जिसका मास ज्यादा होगा, ध्यान से देखो, अब 12 सी ओ है तुम्हारे पास, 13 सी ओ, अब इसका मास ज्यादा है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो नीचे वाले टर्म अगर तुम्हारी बढ़ती है तो ये टर्म तुम्हारी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, ये तुम्हारी टर्म क्या होती है, इसका कंपैरिजन अगर किया जाए इसका और इसका, तो जो V है वो किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, दिमाग लगाओ ध्यान से, जब इसका मास ज्यादा हो रहा है, नीचे वाले टर्म तुम्हारी बढ़ रही है, इसका मतलब ऊपर वाले टर्म क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, दैट मीन्स बी डैश जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, लेसर होगा देन बी से, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मास इंक्रीज करने से जो तुम्हारी रोटेशनल स्पेसिंग होती है वो डिक्रीज हो रही है, वो तुम्हें ध्यान से दिखाई दे रहा है क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि जो तुम्हारा BCO 12 है और जो तुम्हारा BCO 13 है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास होती है। अब इस BCO का 13 का जो मास है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसका 12 है, क्योंकि इसका तो क्या है 12 है और इसका 13 है, इसका मास बढ़ गया है, तो इसकी BCO 13 की जो स्पेसिंग होती है, यानी रोटेशनल कांस्टेंट की जो स्पेसिंग होती है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम एनर्जी लेवल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास CO 12 के होते हैं, तो इसके एनर्जी लेवल्स जो है उनमें क्या होगा, गैप डिक्रीज कर जाएगा, दैट विल बी शिफ्ट हो जाएगा, उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें क्या करेगा, स्पेसिंग जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगा, मतलब ये गैप हो जाएगा, जो गैप होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, जो गैप होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ये गैप इनमें डिक्रीज कर जाएगी, क्या हो जाएगा, CO 13 का। तो बेसिकली जो हमारे पास बी होता है, रोटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिंग को, एनर्जी लेवल्स के बीच में स्पेसिंग कैसी है, ये तुम्हारे पास कौन सा था, 0 एनर्जी लेवल है, ये 2B का हो जाएगा, ये 6B हो जाएगा, ये तुम्हारे पास 12B का हो जाएगा, तो जो हमने एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किए हैं, जे की वैल्यू पुट अप कर देना है, तुम्हारे पास एनर्जी की वैल्यू आती रहेगी, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, इस तरह से, तो जो CO 12 का जो तुम्हारे पास एनर्जी की स्पेसिंग होती है, बीच में एनर्जी गैप जो होता है, दैट इज स्पेसिंग, तो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होता है वो इसमें ज्यादा होगा 12 में, क्योंकि इसका मास बढ़ जाएगा, CO 13 का मास इंक्रीज हो जाएगा, CO का मास अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जो स्पेसिंग होगी, यानी B जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, अब इसका मास बढ़ने से B डिक्रीज कर जाएगा, B डिक्रीज करेगा तो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है दैट विल डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में एक हमारे पास एक चीज और आती है जिसको हम विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन वेट फॉर मी।